नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका अपना न्यूज़ चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलकुंडे में छोटे बाज़ार में रहती। मैं तो मेरे साथ ऐसा करा ही नहीं हरकत, ऐसा करा उन्हें मेरे साथ बाहर नहीं निकल ले दे रहा, गन बता रहा, छुरी बता रहा, और मैं कार में ले जा वहाँ शाहीन नगर में घर दिला तो बोल के ले गया, बिठा के उन्हें मेरे को ले गया शाहीन नगर में घर ले जा दिला तो बोल के ले गया इन्हें मेरे को कार में बिठा के ले जाके हाथा पैरा बंदिया बन के ख़राब कर दिया है। तो तीन जने मेरे नाम एक का तत्तू है, दो जनों का नहीं मालूम, उसको नाम याद है उसको। और मैं ऐसा रास्ते में गए तो भी मेरे को ऐसा धमकिया दे रहा, ऐसा गन बता रहा, छुरी बता रहा, उसका दोस्त उसका बाहर नहीं निकलने दे रहा। ऐसा छोटे बच्चे में क्या करके क्या जी देगी क्या नहीं की, मैं कैसा जिंदगी भूखी प्यासी रहेगी घर में। मैं एक महीने से हुआ तो माँ तुम कंप्लेंट क्यों नहीं करेगी? एक महीने में हुआ मेरे बाहर नहीं निकलने दे रहा, मेरे को ऐसा धमकिया दे रहा, बंदों को बता रहा, मार दे तो बोला, ऐसा बाहर नहीं निकलने दे रहा मेरे को, ऐसा करा उन्हें मेरे साथ ऐसा। और गंदे फोटोआ भी है उसके फ़ोन में, पूरे पूरे जनों को बता रहा हूँ फोटोआ मेरे। आप पे छोड़वाए? हाँ मेरे छे, मेरे बता रहा हूँ पूरे फोटोआ। तो क्या बोले? ये बोल के लिखाई मैं। क्या बोले पुलिस वाले? ऐसा बोले आपके साथ क्या क्या करे बोले, तो ये पूरा बोली मैं, ऐसा मेरे साथ ऐसा करे लोग। और घर में भी कूद के आया था इन्हें, ऊपर से पीके फुल था इन्हें, ऊपर से भी कूद के लोगों को उठाई तो बंदूक रख दिया गर्दन पे ने, तो दोनों मिलके कोई एक छुरी रखा है, बंदूक रखा मेरे गर्दन पे। और कहते साढ़े छः को आया उन्हें, ऊपर से कूद के फुल पी के आया हूँ।